पटियाला नगर निगम के जनरल इजलास में कांग्रेस व अकाली पार्षदों में गर्मा गर्मी देखने को मिली, जिसको लेकर मीटिंग कई बार प्रभावित भी हुई। इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जैसे नगर निगम अपने किराएदारों को अपनी ज़मीन बेचने के लिए स्कीम लेकर आ रहा है, जिसमें किराएदार निगम के पैसे देकर मालिक बन सकेंगे और इससे निगम का खाली पड़ा खजाना भी भरेगा। यही नहीं, जो बिल्डिंगें नाजायज बनी हैं उस पर भी मेयर की ओर से कार्रवाई करने की बात कही गई। सब तो पहला मता सी एडवरटाइजमेंट पॉलिसी का, वो सी अडॉप्ट कर ली है पॉलिसी। उस तो बाद ई गवर्नेंस जो सरकार वालों की गई है वो भी असी अडॉप्ट कर ली है। उस तो बाद पंजाब के कुछ बिल्डिंग बायलॉज के सोधा है वह मता सी, फिर एक म्यूनसिपल भवन की उसारी वो बारे मता सी। म्यूनसिपल एरिया अंदर मैरिज पैलेसिस वास्ते सरकार ने एक नवी पॉलिसी बनाई है, वह अडॉप्ट की है सरकार। जी सब तो अहम जरा जसी मुद्दा इतने चक्या सी वो पटियाला शहर के ऐसे दुकानदार साढ़े भरा हैं जोड़े बड़े लंबे समय तो सिर ते छत की साढ़े तक गुहार कर रहे। वो चाहते सी कि असी अपनी जी जगह पर बैठे हैं, इन्ने लंबे समय तो असी इतने बैठे हैं, सानू उस जगह का मालक बनाया जाए। इस अवसर पर पटियाला देहाती के विधायक परम महिंद्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पटियाला के कामों पर चर्चा की और कहा कि आज की मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जिससे पटियाला वासियों को फायदा होगा। मैं समझना भी पटियाला शहर की डेवलपमेंट दल हुई ने, हर मैंबर ने अपना बड़े अच्छे ढंग से सुझाव दिता है और असी भी अपने जरा कांग्रेस पार्टी के कौंसलर हैं इन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग अपने अपने एरिए की दिक्कत है जी अपनी अपनी जी प्रॉब्लम है लोगों दी समस्या उन्होंने रेज की। नगर निगम द्वारा विकास कार्यों को करने के लिए अपनी जायदादों को बेच पैसा एकत्र किया जा रहा है जिससे पटियाला के विकास किए जा सकें। इंडिया 24 के लिए हरविंदर सिंह रिंकू की रिपोर्ट।